हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एंड जीके। सो फ्रेंड्स, ऑन दिस चैनल वी डिस्कस दी कंटेंट्स ऑफ लॉ एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एंड अदर लीगल एग्जाम्स। एंड फ्रेंड्स, फ्रॉम टुडेज़ वीडियो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस दी ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सीपीसी। आई होप कि ये वीडियोज आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, दिस चैनल विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड अगर आप हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो मेरी ये वीडियो है, आने वाली वीडियोज हिमाचल प्रदेश सीरीज़ की, उनको जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड वाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं, फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज एंड मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट डिक्री एज पर द डेफिनेशन ऑफ डिक्री। डेफिनेशन ऑफ डिक्री कहाँ दी गई है? सेक्शन 2.2 ऑफ सीपीसी में, ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट इज अ डीम्ड डिक्री, ऑर्डर होल्डिंग द अपील इज नॉट मेंटेनेबल दिस इज ऑल्सो डिक्री, फिर ऑर्डर होल्डिंग दैट देर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, मतलब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया तो दैट इज ऑल्सो डीम्ड डिक्री, तो ऑर्डर ऑफ रिमांड ये नहीं होता, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीम्ड डिक्री अंडर सीपीसी। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है यस, रेस्टिट्यूशन है यस, एडजुडिकेशन एज टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय जजमेंट लेटर ये भी है, तो ऑल ऑफ दीज हो गए, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डील्स विद प्रिंसिपल रिलेटिंग टू एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। देखिए वो है धुलाबाई वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, ए इज द आंसर। दरिया वर्सेज स्टेट एंड स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज ये नवाब हुसैनी, दोनों किस पर है? ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पर है। लाचन वाला या बताइए जरा, लिखिए कमेंट सेक्शन में किस पर है ये। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। कंसेंट डिक्री नहीं है, नहीं होती। एक्सपायरी डिक्री यस इट इज। डिसमिसल इन डिफॉल्ट, डिसमिसल इन लिमाइन ये नहीं होते, बी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा रेस जुडिकाटा का? 11 सीपीसी। नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड टू रिजेक्ट फॉरन जजमेंट। वो कहाँ लिखे हुए हैं? देखिए सेक्शन 13 में लिखे हुए हैं, फॉरन जजमेंट नॉट बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ये तो ग्राउंड है, फिर यह नॉट ऑन मैरिट ये भी ग्राउंड है, अपोज टू नेचुरल जस्टिस ये भी है, बेस्ड ऑन इररेगुलर एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिडिक्शन ये नहीं है, क्योंकि ये वहाँ पर लिखा नहीं हुआ, तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 18, विद रिस्पेक्ट टू डिक्री डिफाइन इन सी पी सी चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशन एंड प्रपोजिशंस। कौन सी हैं? देखिए डिक्री काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए हैं। इन ऑर्डर दैट अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट मे बी अ डिक्री इट मस्ट बी डिटरमाइंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज इंटर से, यस बिल्कुल ठीक है। फिर एक्सप्रेशन राइट्स मीन सब्सटेंटिव एज वेल अ प्रोसीजरल राइट्स, ये प्रोसीजरल राइट्स की बात नहीं की गई है, तो ये नहीं होता। फिर राइट ऑफ द पार्टीज अंडर 2.2 इंक्लूड्स लिमिटेशन ज्यूरिडिक्शन अकाउंट एटसेट्रा, ये ठीक है। तो 1-3 में ठीक हो गए, तो ये हो गया इधर, सेकंड इज इनकरेक्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 19, विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेशन सूट ऑफ सिविल नेचर एज अप्लीकेबल इन सी पी सी चूज इट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशन। सिविल कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस दे आर बार्ड, बिल्कुल ठीक है, कालिका सेक्शन 9 में। फिर एक्सप्रेशन सूट ऑफ सिविल नेचर डज नॉट इंक्लूड प्राइवेट राइट्स, नो इट इंक्लूड्स, तो ये हो गया गलत। फिर सूट वेयर प्रिंसिपल क्वेश्चन इज अबाउट रिलीजन इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, ये ठीक है। तो 1 और 3 ठीक हो गए फिर से, तो ये सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 20, विद रिस्पेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस। डॉक्ट्रिन रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी है, बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू सिविल सूट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन इंटरिम ऑर्डर एटसेट्रा, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा कोडिफाइड अंडर सेक्शन 11 इज एग्जॉस्टिव, नो इट इज नॉट एग्जॉस्टिव,
तो 1 and 2 आर करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 21, विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेटिव सूट अंडर ऑर्डर 1 रूल 8, चूज ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस. ऑल मेंबर ऑफ द क्लास शुड हैव अ कॉमन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर. यस, बिल्कुल ठीक है. ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास शुड हैव अ कॉमन ग्रीवियंस मैटर. यस. रिलीफ सॉर्ट इन नेचर बी बेनिफिशियल टू ऑल. यस. ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 22, विद रिगार्ड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2, चूज ए ट्रू स्टेटमेंट. द कॉज ऑफ एक्शन इन प्रीवियस सूट मस्ट बी आइडेंटिकल टू द सब्सिक्वेंट सूट. यस, बिल्कुल ठीक है. रिलीफ सॉर्ट इन द सब्सिक्वेंट सूट कुड हैव बीन गिवन इन द प्रीवियस सूट, ये भी होना चाहिए. फिर इफ द ओमिशन टू रिलीफ इन द प्रीवियस सूट वॉज विदड्रॉ वॉज विद विदाउट लियो द कोर्ट, सब्सिक्वेंट सूट विल बी बार्ड. नो, विदाउट लियो द कोर्ट होगा तभी तो बार्ड होगा. विद द लीव ऑफ द कोर्ट है अगर तो बार क्यों होगा फिर वो. तो थर्ड हो गया गलत. तो आंसर क्या रहेगा इसमें, ए 1 and 2 आर करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 23, चूज ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस. एवरी सूट प्री सपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट. यस, बिल्कुल ठीक है. इफ देर इज नो कॉज ऑफ एक्शन द प्लेंट विल हैव टू बी रिजेक्टेड. यस, बिल्कुल ठीक है. फेलियर इन इंडिकेटिंग द डेट ऑफ अक्रूवल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इज ए फैटल टू द फाइलिंग ऑफ द सूट. ये भी बताना तो पड़ेगा ना कब वो राइज हुआ, तो वो भी ठीक है. ये तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो सकता है, तो कहाँ पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 11. तो तीनों ठीक हो गए, डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट 24, विद रिगार्ड टू प्लीडिंग अंडर CPC, चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस. इतनी प्रपोजिशंस पूछ ली हैं CPC में. तो प्लीडिंग शुड स्टेट्स फैक्ट एंड लॉ. नो, इसमें आ चाहिए नॉट लॉ, तो ये हो गया गलत. फैक्ट स्टेटिंग इन द प्लीडिंग शुड बी मटेरियल फैक्ट्स, बिल्कुल ठीक है. प्लीडिंग शुड नॉट स्टेट द एविडेंस, बिल्कुल ठीक है. ये कहाँ मेंशन किया गया, ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स. तो इसमें से 2 और 3 करेक्ट हो गए, 1 इज इनकरेक्ट, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट मे नॉट इशू अ कमीशन टू एग्जामिन अ पर्सन, कर सकते हैं. तो पार्टीशन कराने के लिए कर सकते हैं, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन तब भी कर सकते हैं. अब दिखा मे नॉट इशू अ कमीशन, तो ये तो मतलब सारे इसमें हो जाएगा, और डी ऑप्शन भी ऑल ऑफ दीज है. तो ये मैं कहूँगा कि क्वेश्चन जो है ये इसमें ऑप्शन ठीक नहीं है, यहाँ आना चाहिए था नन ऑफ दी अबव, तब तो ये डी आंसर होता. लेकिन देखिए लिखा ना मे नॉट इशू अ कमीशन, तो इन तीनों में तो कमीशन इशू हो सकता है. सेक्शन 75 CPC देख सकते हैं इसके लिए आप. नेक्स्ट 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइबल टू बी अटैच्ड एंड सेल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग. बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, सिक्योरिटीज हो जाएंगी, प्रोमिसरी नोट हो जाएगा, टूल ऑफ आर्टिसन नहीं हो सकता, डी इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 60 CPC में. नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स अंडर CPC. तो पर्सनल सर्विस टू द पार्टीज और एजेंट, ये ठीक है. सब्स्टिट्यूट सर्विस, ये भी ठीक है. सर्विस ऑफ समन बाय द कोर्ट, ये भी ठीक है. तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. ऑर्डर कौन सा है समन्स का, 5. नेक्स्ट 28, लीगल सेट ऑफ इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर ऑर्डर 8 रूल 6, ए इज द आंसर. ऑर्डर 6 में क्या है, प्लीडिंग्स. 6A क्या है, काउंटर क्लेम. नेक्स्ट 29, विद रिगार्ड टू अबेटमेंट ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 22, चूज ए ट्रू स्टेटमेंट. डेथ ऑफ प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज दिस सूट अबेट इफ द राइट टू सू सर्वाइव, बिल्कुल ठीक है. ये ऑर्डर 22 के रूल 1 में ही लिखा हुआ है ये. इफ सोल सर्वाइविंग प्लेंटिफ डाइज द राइट टू सू सर्वाइव, द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड इन दैट बिहाफ शैल कॉज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड प्लेंटिफ टू बी मेड अ पार्टी एंड शैल प्रोसीड विद द सूट, बिल्कुल ठीक है. ये है रूल 3, एनी पर्सन सो मेड अ पार्टी शैल बी गवर्न बाय प्लीडिंग ऑलरेडी सबमिटेड एंड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेक एनी डिफेंस अप्रोप्रिएट टू हिज कैरेक्टर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी. नो, ये गलत है, वो डिफेंस दे सकता है. इसके बारे में कहाँ लिखा गया है, रूल 4 के सब रूल 2 में. तो ये हो गया गलत. तो फिर 1 and 2 आर करेक्ट, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 30, इन विच द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द रेमेडी ऑफ अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इज ड्रास्टिक एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर एंड सच पावर शुड नॉट बी एक्सरसाइज मैकेनिकली और मेयरली फॉर आस्किंग इट शुड बी यूज स्पेरिंगली एंड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल. ये केस था रमन टेक वर्सेज सोलंकी ट्रेडर्स, ए इज द आंसर.
तो क्वेश्चन नंबर वन है, इफ द सूट डिसमिस ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ एंड इफ देयर इज सब्सिक्वेंट सूट बिटवीन सेम पार्टीज देन डिसीजन इन द फर्स्ट सूट वुड ऑपरेट एज आरजे या फिर नॉट। देखिए जो डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट होता है दैट इज नॉट अ डिक्री, लिखा हुआ है सेक्शन 2(2) ऑफ सीपीसी में, जहाँ पर डिक्री की डेफिनेशन है। तो डिक्री क्या होती है, जो भाई जो पार्टीज के राइट्स को फाइनली डिटरमाइन करे ऑन मेरिट्स। ये मेरिट पे तो हुआ नहीं, डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट है तो ये रेस जुडिकाटा इसमें नहीं लगेगा, डज नॉट अमाउंट टू रेस जुडिकाटा, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज टू, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स डील विद सूट अगेंस्ट इंडिजेंट पर्सन। देखिए इंडिजेंट पर्सन का ऑर्डर कौन सा है, 33, तो बी इज द आंसर। ऑर्डर 32 क्या है, सूट बाय और अगेंस्ट माइनर या फिर पर्सन अनसाउंड। 34 किसके लिए है, मॉर्टगेज सूट। एंड 35 क्या है, इंटरप्लीडर सूट। नेक्स्ट है 3, द सीपीसी डिफाइन डिक्री अंडर 2(2) ए इज द आंसर। देखिए बताया था मैंने, अभी डिस्कस किया ही था ये। 8 में क्या है, जज। 26 क्या है, फॉरेन जजमेंट। 212 क्या है, मीन प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है 4, एज पर ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन विद इन। तो देखिए जो नॉर्मल इंजंक्शन है ऑर्डर 39 में, उसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है, जबकि जो 3A में लिखा हुआ है, ऑर्डर 39 रूल 3A में लिखा हुआ है कि जहां पर एक्स पार्टे इंजंक्शन अगर दी गई है तो उस एप्लीकेशन को जो है 30 डेज में करना है। तो टाइम पीरियड सिर्फ ये 30 डेज का, अब ये मान सकते हैं कि उसमें जो ऑर्डर 39 में सिर्फ ये 30 डेज का टाइम पीरियड लिखा गया है, अदरवाइज नॉर्मल केस में रीजनेबल टाइम पीरियड होता है, वहाँ पर कोई टाइम पीरियड टाइम फ्रेम कोई मेंशन नहीं है कि भाई इतने दिन के अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करनी है एप्लीकेशन इंजंक्शन की। ये 30 डेज सिर्फ एक्सपार्टे इंजंक्शन के लिए किया गया है, मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन भी प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट 5 है, प्रोविजन रिलेटिंग टू काउंटर क्लेम इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर ऑर्डर 8 रूल 6A, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 6, चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रोपोजिशन, नो सूट शैल लाय चैलेंज इन द वैलिडिटी ऑफ अ डिक्री पास इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टी लिटिगेट इन द सेम टाइटल ऑन एनी ग्राउंड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सूइंग। यस बिल्कुल ठीक है, फॉर्मर सूट मीन्स ए सूट विच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर टू द डिसीजन इन द सूट इन विच द वैलिडिटी ऑफ डिक्री इज क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन इज मटेरियल फैक्टर इन डिसाइडिंग फॉर्मर सूट। फिर 3rd है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन इज मटेरियल फैक्टर इन डिसाइडिंग फॉर्मर सूट। डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन से क्या मतलब है डिसाइडिंग करने का फॉर्मर सूट में, ये हो गया इनकरेक्ट। तो 1 and 2 आर करेक्ट एंड 3 इज इनकरेक्ट, ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 7, फिर से वही है, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, प्रपोजिशन है, ऑल ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस ऑफ सूइंग मस्ट बी टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, ये लिखा हुआ है सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी में। फिर है, ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस ऑफ सूइंग कैन नॉट बी अलाउड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इशूज, नहीं तो कर सकते हैं, ये हो गया रॉन्ग। फिर है, ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट विद रेफरेंस टू पेक्यूनियरी लिमिट ऑफ जुडिक्शन मे बी अलाउड इवन आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इशू इफ देयर हैज बीन कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, दिस इज करेक्ट। तो 1 and 3 आर करेक्ट एंड 2nd इज इनकरेक्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 8, चूज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस। प्रपोजिशन है, वेयर ऑन द फिक्स डेट इज फाउंड दैट समन्स हैज नॉट बीन सर्वड अपॉन द डिफेंडेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ टू पे द कोर्ट फी, द कोर्ट में डिसमिस द सूट, यस इट इज करेक्ट, रिकॉ मेंशन किया गया है। यह ऑर्डर 9 एंड रूल 2। फिर है, When either party appears and suit is called on hearing, the court may make an order the suit be dismissed. Yes, ये भी ठीक है, ये है rule 3 order 9 का। फिर है, where suit is dismissed under the above cases, the plaintiff will be barred bring a fresh suit. No, ये हो गया wrong, because order 9 के rule 4 में लिखा हुआ है कि वो fresh suit लेके आ सकता है या फिर same suit को restore करवा सकते हैं, ये हो गया गलत। तो इसमें ठीक कौन सा हुआ, फिर 1 and 2 आर करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट, ए इज द आंसर। ऐसे 9, फिर से वही है प्रपोजिशंस, ए सूट इन विच राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, यस बिल्कुल ठीक है, ये सेक्शन 9 है सूट ऑफ सिविल नेचर के लिए। फिर ए सूट डीलिंग विद राइट टू ऑफिस इज अ सिविल नेचर नॉट विस्टैंडिंग दैट सच राइट मे डिपेंड एंटायरली ऑन डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन एज टू रिलीजियस सेरेमनी से, बिल्कुल ठीक है। फिर है, सूट डीलिंग विद राइट टू एन ऑफिस वुड बी सिविल नेचर ओनली व्हेन फी
आर अटैच टू सच ऑफिस, फी को ज़रूरी नहीं है कि ये हो गया इनकरेक्ट, तो वन एंड टू आर करेक्ट, थ्री इज इनकरेक्ट, ए इज द आंसर. नेक्स्ट इज 10, इशू अराइजेज व्हेन अ मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड इज डिनाइड बाय द अदर. ये बिल्कुल ठीक है, ये है ऑर्डर 14 और ये रूल 1 में ही लिखा हुआ है. फिर व्हेन मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ फैक्ट अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर, बिल्कुल डिटो सेम लिखे हुए हैं. इशूज अराइजेज व्हेन व्हेन मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर, दोनों बिल्कुल सेम लिख दिए हैं. फिर डिस्टिंक्ट इशू इज नॉट नेसेसरी टू बी फ्रेम्ड फॉर ईच मटेरियल प्रपोजिशन इवन दो द सेम वाज अफर्म्ड बाय वन पार्टी डिनाइड बाय द अदर, नो, इशू तो फ्रेम करने ही पड़ेंगे क्योंकि रूल 3 में लिखा हुआ कि ईच मटेरियल प्रपोजिशन जो कि अफर्म कर रही डिस्प्यूटेड है उसके लिए अलग से इशू फ्रेम करना पड़ेगा. तो ये हो गया रॉन्ग, दोनों ये ठीक है, सेम ही है वैसे तो. फिर से ए इज द आंसर. नेक्स्ट 11, एज पर सेक्शन 46 ऑफ सीपीसी द प्रिसेप्ट मींस एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट व्हिच पास द डिग्री एंड एड्रेस टू द अदर कोर्ट टू अटैच द प्रॉपर्टी जजमेंट लेटर स्पेसिफाइड इन द प्रिसेप्ट. तो सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 12, अंडर सेक्शन 47 सीपीसी द एग्जीक्यूशन कोर्ट हैज टू डिसाइड ऑल द क्वेश्चंस बिटवीन द पार्टी टू द सूट रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री. यस, मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता. ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या नहीं कर सकता कोर्ट. बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 13, फिर से प्रपोजिशंस हैं. सीपीसी परमिट सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन्स, यस, ऑर्डर 5 रूल 20 में लिखा हुआ है. फिर सब्स्टिट्यूट सर्विस कैन बी अफिक्स A copy of summon in some conspicuous place in the courthouse and also in some conspicuous part of the house in which defendant is known to have last resided. बिल्कुल ठीक है ये. Mere publishing summons in the is not substitute service. तो ये भी substitute service है, तो ये हो गया wrong. तो 1 and 2 are correct. फिर से 3 is incorrect. तो A is the answer. Next 14, for the purpose of filing suit against government, mandatory notice not less than 2 months is required to be given under section 80. C is the answer. Next 15, in a civil suit, parties are required to submit the list of witnesses whom they propose to call either to give evidence or to produce document on or before such date as the court may appoint and not later than 15 days on a date of settlement of issues. A is the answer. कहाँ लिखा हुआ ये? Order 16, Rule 1 में. Next 16, it appears to a court that evidence of Mr. X, a person confined in a prison outside the state, is material in a suit. The court may make an order requiring district magistrate या फिर DGP या फिर officer in charge of prison to produce that person before the court to evidence. C is the answer. और ये कहाँ mention किया गया है? ये है order 16A and rule 2. क्या attendance of witness confined and detained in prison? नेक्स्ट 17 प्रपोजिशन है. सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4, मतलब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, बिल्कुल ठीक है ये. एनी मैटर विच माइट और ऑट टू हैव बीन मेड अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन अ फॉर्म ऑफ सूट शैल नॉट कंस्टिट्यूट. तो ये तो रहेगा, ये हो गया गलत. एनी रिलीफ क्लेम इन द प्लेंट विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड, बिल्कुल ठीक है. तो 2 इज इनकरेक्ट, तो सी इसका आंसर हो गया. 1 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट 18, वेयर अ सूट is to obtain relief respecting immovable property situated within the jurisdiction of different courts. The suit may be instituted in any of the court, any portion of property situate. So B is the answer. Rahega. Section kaun sa hai ye? Section has 17 CPC. Next 19, in which of the following case, judgment letter cannot be sent to civil prison in execution of a decree for payment of money. The amount does not exceed 2000 rupees. A is the answer. इसके लिए आप दे सकते हैं सेक्शन 58. अगर 2000 से और 5000 तक है तो 6 वीक्स की इम्प्रिजनमेंट है. अगर 5000 से ऊपर है तो मैक्सिमम 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है. 2000 से नीचे कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है. A इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड बाय एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री. सेक्शन 60 प्रोवाइड करता है सीपीसी का. कुकिंग वेसल नहीं कर सकते, टूल ऑफ आर्टिसन नहीं कर सकते, शेयर कर सकते हैं. 1/3 सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ मेंटेनेंस, उसमें कितना करते हैं? 2/3 करते हैं, ये 1/3 नहीं कर सकते. तो आंसर क्या रहेगा इसमें? सी. नेक्स्ट 21, अंडर सीपीसी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मे बी इशूड टू एग्जामिन अ विटनेस. ए इज द आंसर.
क्वेश्चन कौन सा है 77 सीपीसी। सो क्वेश्चन नंबर वन इज एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन इन केस ऑफ ग्रांट ऑफ एक्स पार्टे टेम्परेरी इंजंक्शन शुड बी एंडेवर टू बी डिसाइडेड विद इन 30 डेज और कहां मेंशन किया गया है ऑर्डर 39 रूल 3A में, तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 8 सिचुएशन है एप्लीकेशन वाज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 21 रूल 90 एंड 47 सीपीसी फॉर सेटिंग असाइड अ कोर्ट ऑक्शन सेल ऑर्डर डिसमिसिंग द एप्लीकेशन वाज दो अपीलेबल बट नो अपील वाज फाइल्ड एंड सेल वाज कंफर्म्ड अंडर ऑर्डर 2192 एंड कंफर्मेशन सेल वाज नॉट क्वेश्चन वेयर बाय ऑक्शन परचेज अटेंड फिनालिटी। फिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जामिन दिस सिचुएशन रिसेंटली व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ इन दिस मैटर ऑफ द व्हाट स्पेसिफाई आउट द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो अब इसमें क्या होगा बाय वर्च्यू ऑफ रूल 92(3) एप्लीकेंट ऑब्जेक्टर वुड नॉट बी बार्ड नहीं वो बार हो जाएगा वुड बी बार्ड फ्रॉम ब्रिंगिंग अंडर सब रूल 3 ओनली, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 9 इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेल्ट विद सिचुएशंस एज इन प्रीवियस क्वेश्चन एन एप्लीकेशन वाज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 21 रूल 90 विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 47 सीपीसी फॉर सेटिंग असाइड बिल्कुल वही सेम है ये ऑर्डर डिसमिसिंग द एप्लीकेशन वाज दो अपीलेबल बट नो अपील वाज फाइल्ड and was confirmed under 22. The confirmation of sale was not questioned, whereby auction purchaser attained finality. मतलब देखिए 8th question था वही same पूछ लिया है मतलब इन्होंने ये इस case से लिया है इन case कौन सा है ये सिद्धा गंगैया versus NK गिरिराज शेट्टी A is the answer. तो वो question भी उन्होंने इस case से ही पूछ लिया एक case से दो question पूछ लिए। Next is 10 which provision of CPC debars a tenant from filing an interpleader suit against his landlord. तो ऐसा कोई provision नहीं है तो none of these इसका answer रहेगा। Next 11 which section of CPC states that place of trial is to be deemed to be open court. That is 153B. C is the answer. Next 12 a decree for restitution of conjugal rights may be enforced under order 21 rule 32 by तो फाइन नहीं कर सकते इसमें और प्रिजन में नहीं भेज सकते अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 13 कैन इन एनी सिचुएशन ए सूट अकिन टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी इंस्टीट्यूटेड अंडर सीपीसी इवन दो नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज्ड टू अ पर्सन विलिंग टू फाइल द सूट यस कर सकते हैं एज पर सेक्शन 91 सीपीसी सी इज द आंसर। टू और मोर पर्सनस या फिर एडवोकेट जनरल वो केस कर सकते हैं। नेक्स्ट 14 एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड गार्जियन फॉर अ सूट ओनली ऑन हिज ओरल कंसेंट या फिर कंसेंट इन राइटिंग ऑन हिज कंसेंट इन राइटिंग का मेंशन किया गया है 32 है ऑर्डर ऑब्वियसली बट रूल है 4 सीपीसी तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 15 विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोहिबिट्स अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी दैट इज सेक्शन 56 ए इज द आंसर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। Next 16 if plaintiff omits to sue for whole of the claim which was entitled to make in respect of cause of action in the first suit then he will be precluded from suing again in respect of the portion so omitted yeah order 2 rule 2 c is the answer cpc Next 17 which final judgment order or decree of a competent court among the following is judgment in rem that is जजमेंट इन एक्साइज ऑफ मैट्रिमोनियल और इंसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन सी इज द आंसर मनी सूट या फिर ये क्या है जजमेंट इन पर्सोनम होते हैं। ऐसे 18 अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी द कलेक्टर मे बी अपॉइंटेड एज रिसीवर दैट इज ऑर्डर 40 रूल 5 सी इज द आंसर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट 19 इन विच द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिले इन प्रोनाउंसिंग द जजमेंट अमाउंट टू डिनायल ऑफ जस्टिस ये था अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बी इज द आंसर। नेक्स्ट 20 अंडर सीपीसी व्हेन द सर्विस ऑफ समवन टू अ डिफेंडेंट इज नॉट मेड टू हिम ड्यू टू हिज एब्सेंस विद इन रीजनेबल टाइम समवन्स कैन बी सर्व टू द एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द डिफेंडेंट तो इसमें देखिए एडल्ट में सिर्फ सन लिखा हुआ है तो बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रोविजन कहाँ है इसका ऑर्डर 5 है
एंड रूल है ये 15। नेक्स्ट 21, वेदर द परचेजर ऑफ अ प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ सेल कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड अ सेल ऑन द ग्राउंड दैट जजमेंट डेटर हैड नो सेलेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सोल्ड। यस, कोई भी कर सकता है। यू कैन मेक एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 91। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 22, राइट टू अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 96। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 23, अबेटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स इज गवर्न्ड अंडर ऑर्डर 22। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ रेवेन्यू कोड्स विद द सीपीसी, दैट इज सेक्शन 5 सीपीसी। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स इन द सीपीसी, दैट इज ऑर्डर 1 रूल 2। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद ऑब्जेक्शन टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन द सीपीसी, दैट इज सेक्शन 21। सी इज द आंसर। 18 क्या है, जहां पर अनसर्टेन लिमिट्स हैं प्रॉपर्टी की। 20 क्या है, सूट कहां फाइल होगा, जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा हो या फिर कॉज ऑफ एक्शन इन अदर सूट, ठीक है ना। 25 क्या है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर दी सूट्स और अपील और अदर प्रोसीडिंग्स। Next 27, section 40 of CPC, where a decree is sent for execution in another state, it shall be sent to such court and executed in such manner as been prescribed by the rule in force in the state where a decree was passed, या फिर in the state where the decree was sent for execution. Sent for execution, executing court करेगा ना। B is the answer. Next 28, what is the distinction between injunction order and attachment order? इंजंक्शन क्या होती है, जिसमें सिर्फ पार्टीज के बीच में जो कोई डिस्प्यूट है उसमें इंजंक्शन पास होती है, ऑर्डर पास होता है कि भाई वो उससे बाउंड रहेंगे। अटैचमेंट क्या, अटैचमेंट जो पब्लिक के लिए कोई भी होगा, मान लो कि किसी प्रॉपर्टी अटैच कर दी तो क्या थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को भेज देगी, नो नहीं भेज सकती। तो इंजंक्शन ऑर्डर बाइंड्स ओनली द पार्टी विद अटैचमेंट, नॉट ओनली द बाइंड पार्टी बट ऑल्सो थर्ड पार्टीज। तो सी इज द आंसर। Next is 29, order is defined as formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. ये कहाँ define किया गया order? That is section 214 of CPC. B is the answer. 21 में क्या है, 21 में है कोड, 214 ये हो गया। 9 क्या है, जजमेंट, एंड 216 prescribed. Next 30, mean profit of property as defined in section 212 of CPC means those property which the person in wrongful possession of property actually received or might with ordinary diligence have received together with the interest on such profit. Yes, ये बिल्कुल ठीक है। Due to improvement वाले नहीं होते, without any interest नहीं होता, such property actually received now with interest रहेगा, तो A इसका आंसर रहेगा। Next 31, a decision in a civil suit may operate as res judicata against person not expressly named as party to a suit by the virtue of explanation 6 to section 11. C is the answer. Explanation 6 किसके लिए है, जहां पर representative suit हो या फिर PIL हो, public interest litigation, उन cases में। Next 32, a private transfer and delivery of property attached under section 64(2) of CPC shall not be void if made in pursuance of any contract for such transfer or delivery entered into and registered before the attachment. Attachment से पहले अगर हो गया तो नहीं होगा obviously, तो यही इसमें void नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ए इसका आंसर हो गया। बाकी देख लेते हैं, ट्रैक्ट आफ्टर द अटैचमेंट फिर तो void हो जाएगा, बट रजिस्टर्ड आफ्टर अटैचमेंट फिर भी void हो जाएगा। डी, बी एंड सी, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट 33, रिविजन अंडर सेक्शन 115 सीपीसी शेल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ सूट और ऑन अदर प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट एक्सेप्ट वेयर सच सूट और अदर प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय हाई कोर्ट। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 34, द टर्म एक्ट्स अंडर ऑर्डर 3 रूल 1-2 इज कन्फाइंड ओनली, किसके रिलेटेड है ये, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट डन बाय द पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ग्रांटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट and would not include deposing in place instead of the principal, या फिर it would include deposing, या फिर but includes appearance as a witness on behalf of party, no, witness थोड़ी बन जाएगा, to
डिपोजिंग इन प्लेस एंड इंटरेस्ट इन साइड ऑफ प्रिंसिपल नो, ये नहीं होगा। तो ए इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 35, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स कैन बी अलाउड अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी। अमेंडमेंट फॉर ग्रांटिंग रिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ द टू द सेम फैक्ट, नो ये नहीं दे सकते। तो ये कर सकते हैं फिर अमेंडमेंट टेकिंग नोट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ये ऐसे भी हो जाएगा। फॉर करेक्टिंग द मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव रहेगा, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 36, ऑन डिसमिसल ऑफ अ सूट फॉर नॉन कंप्लायंस विद एन ऑर्डर ऑफ फॉर डिस्कवरी अंडर ऑर्डर 11 रूल 21, द प्लेंटिफ क्या फ्रेश सूट लेके आ सकता है? द प्लेंटिफ कैन ब्रिंग अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन एज मैटर ऑफ राइट, नो ये नहीं कर सकता। तो बार है, कैन ब्रिंग नो, कैन नॉट ब्रिंग एनी सूट ऑन द कॉज ऑफ एक्शन, सेम कॉज ऑफ एक्शन, डी इज द आंसर। ये क्या मैंशन किया गया है रूल 21 के सब रूल 2 में। नेक्स्ट 37, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इन सिविल इंप्रिजनमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, एब्सोल्व फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ डिक्री बट कैन बी री अरेस्टेड, डज नॉट एब्सोल्व बट ही कैन नॉट बी री अरेस्टेड। देखिए दोनों ऑप्शन ये बिल्कुल सेम हो गए, तो बी और सी दोनों ही आंसर हैं इसमें। और एक मेंशन किया गया, सेक्शन 58 सीपीसी और सब सेक्शन 2 है ये। 38, इन अ केस पार्टी टू अ सूट मूव्ड नो एप्लीकेशन फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड अंडर ऑर्डर 22 रूल 19 ऑफ द सीपीसी। अब देखिए ऑर्डर 22 में रूल 19 है ही नहीं, रूल 12 तक ही है इसमें, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था। अदरवाइज़ क्या होता है इसमें, सूट जो है ऑटोमेटिकली अबेट हो जाएगा, तो कोर्ट को तो स्पेसिफिक ऑर्डर देने ही पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट 39, ए रिसीवर कैन बी सूड जनरली फॉर द एक्ट डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी बाय थर्ड पार्टी या फिर कैन नॉट बी सूड, कैन सू विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कैन सू एंड कैन बी सूड फॉर द एक्ट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी बाय थर्ड पार्टी ओनली विद द लीव ऑफ द कोर्ट अपॉइंटिंग हिम, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 40, सब्सिक्वेंट द फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8 रूल 9 ऑफ सीपीसी, द डिफेंडेंट कैन फाइल द प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ डिफेंस एज सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, ए इसका आंसर रहेगा। वहाँ पर सेट ऑफ काउंटर क्लेम के लिए जो है जरूरी नहीं है, बट अगर कोई एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट देनी है या फिर कोई और उसमें अमेंडमेंट करनी है तो ऑब्वियसली विद लीव ऑफ द कोर्ट ही करना पड़ेगा। देखिए मेंशन किया गया है ये रूल 9 में, अदर देन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम शैल बी प्रेजेंटेड एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द कोर्ट, मतलब सेट ऑफ काउंटर क्लेम के लिए जरूरत नहीं है लीव लेने की काउंटर कोर्ट से। नेक्स्ट 41, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड द 1999 एंड 2002 अमेंडमेंट ऑफ सीपीसी आर वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, तो वो था स्लेम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए इज द आंसर। ये 2019 के पेपर में हमने डिस्कस किया था, रिपीट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट 42, वेयर अ मोर्टगेजी ऑब्टेन्स अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम अराइजिंग अंडर द मोर्टगेज, ही इज एंटाइटल्ड टू ब्रिंग द मोर्टगेज प्रॉपर्टी टू सेल विदाउट इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर सेल इन एनफोर्समेंट ऑफ द मोर्टगेज अंडर ऑर्डर 34 एंड रूल 14 ऑफ द सीपीसी, या फिर एंटाइटल टू ब्रिंग द मोर्टगेज प्रॉपर्टी टू सेल ओनली बाय इंस्टीट्यूटिंग होगा ये, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 43, द सेकेंड अपील इज परमिसिबल ओनली इफ द फाइंडिंग इज परवर्स, इट वॉज हेल्ड इन केस ऑफ दिनेश वर्सेज यूसुफ अली, ए इज द आंसर। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, एच पी सीरीज में ही हमने किया है, पिछले 3 पेपर में देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। पेपर सिविल लॉ 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज द सीपीसी डज नॉट कंटेन द प्रोविजन फॉर पासिंग ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री इन द सूट फॉर अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, इसके बारे में बताया गया है, यस बताया गया है प्रिलिमिनरी डिक्री के बारे में कहाँ पर, ऑर्डर 20 में एंड दिस इज रूल 16, पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट रूल 12, सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी दिस इज मेंशन इन ऑर्डर 34, सो द आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 2, मीन प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी शैल नॉट इंक्लूड विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, एक्चुअली रिसीव ये तो इंक्लूड हो जाएंगे, माइट ऑर्डिनरी डिलीजेंस ये भी हो जाएगा, मेड ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय हिम ये वाले नहीं होते, रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट ये भी हो जाएगा, तो सी इसका आंसर रहेगा, ये इंक्लूड नहीं होगा मेन प्रॉफिट में। डेफिनेशन कहाँ है, 212 ऑफ सी पी सी।
Next is 3. Which of the following decision is a decree? Dismissal of appeal for default. This is not a decree. Order for remand. No. Dismissal of appeal as a time barred. This is a decree. Order granting or refusing interim relief. No. So answer is C. Decree definition kahan par hai? 2 of CPC. Next 4. Mark the incorrect statement regarding the order and decree. There may be preliminary decree and preliminary order. This is incorrect. Preliminary decree hoti hai aur interim order ho sakta hai. Preliminary order nahi hota. So both led to maintain controversy. Yeah, decision given by court. Yes. Both are formal expression of a decree. Now this is also not correct. Both are formal expression of a decree. What do you mean by that? So I would say the A is the answer, but D could be the answer as well. Next is 5. Which of the following is not a suit of civil nature? Suit relating to right to worship. This is suit of civil nature. Suit relating to taking out of religious processions. Yes. RCR. Yes. So ye tino hi suit of civil nature hai as per section 9 CPC. So isme answer kya rahega? D, none of the above. Next 6. Foreign judgment as defined in section 2(6) of CPC means judgment given by Indian court in respect of foreigners, or if judgment given by a foreign court. By a foreign court. B is the answer. Next 7. In which the Supreme Court held, in which case likhna chahiye yahan par, held the right to make a counterclaim as statutory. The case was Lakshmidas versus Nana Bhai, 1964. B is the answer. Next is 8. In Satyadhyan Ghoshal versus Diorjin Debi, the apex court explained the doctrine of res judicata. A is the answer. HPK ने एक खास बात है, पता नहीं ये केसेस कहाँ कहाँ से निकाल के लेके आते हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं होते. This is 9. Under order 16 rule 2 of CPC, the extension of a witness for whom summons have been obtained is to be borne by the party applying for summons. C is the answer, obviously. Next 10. Under order 10 rule 1A CPC, the court can direct parties to opt for any mode of alternative resolution at any stage of proceedings, ya fir after recording of admission and denial. After recording admission and denials, B is the answer. Ye mention kiya gaya rule 1A mein hi. Next 11. Under order 7 rule 9 CPC, when the court orders for summons be served on the defendants, the plaintiff is required to present copies of the plaint along with the requisite fee within 7 days of the order. A is the answer. Next 12. Under order 5 rule 9A, summons for serving on the defendant can be delivered to the plaintiff. Dasti saman bolte hai na, in person jo dete hai. So B is the answer. Next 13. When the court grants ex parte injunction without issuing notice to the opposite party, the recording of the reason by the court is mandatory hota hai ye. If ex parte injunction de rahe hai, to mandatory nahi hoga. C is the answer. And ye order 39 rule 3 ke proviso mein likha hua hai, shall mention, shall record the reasons. Next 14. Under section 75 CPC, the court cannot issue a commission for the purpose of, so to make a local investigation ho sakta hai, make a partition ho sakta hai, adjust account ho sakta hai. So none of these. Answer kya rahega isme? None of these. D is the answer. Next 15. A right of review is a substantive as well as procedural right. C is the answer. Reference review revision kahan kahan par hai? 113, 114, 115. Dekhiye, maine kai bari bataya bhi, discuss bhi kiya hai is cheez ko. Dekhiye, reference review revision hai na. Ab yaad kaise karna hai isko? Dekhiye, pura alphabetically chal rahe hain. FF revision review. E और S है ना, ये पहले आएगा ऑब्वियसली. तो R R R 113, 4, 5. आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं. नेक्स्ट 16. नो अपील शैल लाइ फ्रॉम एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट पब्लिक न्यूसेंस. इस पे तो हो जाएगा, तो इसमें अपील हो सकती है. रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हो जाएगा. रिटर्निंग अ प्लेन टू बी प्रेजेंटेड टू प्रॉपर कोर्ट, तब भी हो जाएगी अपील. तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो डी इसका आंसर रहेगा, नन ऑफ दीज. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ मे बी अ डिक्री और ऑर्डर.
दोनों हो सकते हैं। देखिए अब ये सी ऑप्शन जो है डिक्री एंड लिख दिया यहाँ पर, और आना चाहिए यहाँ पे, एंड नहीं हो सकता, बट एज पर दी ऑप्शन सी इज दी आंसर। नेक्स्ट इज टू, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन द पार्टीशन सूट मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास्ड, तो वो केस था फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल, ए इज दी आंसर, दिस इज लैंडमार्क जजमेंट ऑन प्रिलिमिनरी डिक्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज थ्री, इन राजस्थान SRTC वर्सेज कृष्णकांत द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेबल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज फोर, ए डिफेंडेंट शुड प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम, द सेड पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 90 days, सी इज द आंसर, वेयर इट इज मेंशन, इट इज मेंशन इन ऑर्डर 8 Rule 1। This is 5, the plaint shall be rejected by the court under Order 7 Rule 11E of the CPC if it is not filed in duplicate, A is the answer, वही mention किया गया है ये। Next is 6, what is not material irregularity under Rule 90 of Order 21 of CPC, omission to issue notice, notice issue नहीं किया तो ये irregularity है, material है वो भी, publish sale proclamation ये नहीं किया तो, स्टेट द रेवेन्यू और रेंट पेबल ऑन लैंड ये नहीं किया तो, ये क्या है, ये मटीरियल इरेगुलरिटीज हैं, रिकॉर्ड रीजन फॉर एजमेंट ऑफ सेल, ये कोई मटीरियल इरेगुलरिटी नहीं है, तो डी इसका आंसर रहेगा। ऐसी 7, द एसेट हेल्ड टू बी नॉट अवेलेबल फॉर द रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 73 ऑफ CPC कौन सी नहीं है, सेल प्रोसीड्स रिलाइज फ्रॉम ऑक्शन सेल, डिपॉजिट मेड बाय डिफॉल्टिंग परचेजर, मनी रिलाइज बाय एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ये तीनों जो हैं अवेलेबल है रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिपॉजिट ऑफ अर्नेस्ट मनी ये नहीं है, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 8, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ए सेकेंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 100 मेंशन करता है CPC में, फिर रिवीजन एप्लीकेशन लाइज टू हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ जुडिशियल एरर, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये सेक्शन 115 CPC, फिर हाई कोर्ट कैन डिसाइड अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स रिवीजनल ज्यूरिसडिक्शन, नो ये रॉन्ग है, कैन डिसाइड अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन द सेकंड अपील इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये ठीक है, सी इज रॉन्ग, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 9, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द सब्जेक्ट मैटर पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल प्लेस वेयर डिस्प्यूट अराइज, तो ऑल ऑफ द अबव डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 10, ए सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड एट अ प्लेस वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, बी इज द आंसर, सेक्शन कौन सा है ये, 16 CPC। नेक्स्ट 11, कैवियट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 days, सी इज द आंसर, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सेक्शन कौन सा है ये, 148A ऑफ CPC। नेक्स्ट 12, द प्रोविजन रिगार्डिंग इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट आर मेंशन इन द CPC इन सेक्शन 148 से 153B, बी इज द आंसर, प्रोविजंस रिगार्डिंग। नेक्स्ट 13, अंडर सेक्शन 47 CPC विच क्वेश्चन डज नॉट रिलेट टू द एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डिक्री, वेदर डिक्री एग्जीक्यूटेबल ये है, रिलेट करता है ये, विद प्रॉपर्टीज लाइबल टू बी सोल्ड ये भी है, फुली सेटिस्फाइड ये भी है, इज फ्रॉडलेंट और कोलुसिव ये नहीं है, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट 14, प्लीडिंग शुड कंटेन ओनली फैक्टा प्रोबेंडा या फिर प्रोबेंशिया, ओनली फैक्टा प्रोबेंडा, ए इज द आंसर, फैक्टा प्रोबेंडा क्या होता है, फैक्ट विच नीड टू बी प्रूव्ड, ओके, एंड प्रोबेंशिया विच इज गिवन इन एविडेंस फॉर द प्रूफ ऑफ अनदर फैक्ट, तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 15, ऑर्डर 12 रूल 6 CPC प्रोवाइड्स फॉर नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स, जजमेंट ऑन एडमिशंस, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 16, अंडर सेक्शन 58(1)(a) ऑफ CPC, नो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन ऑफ जजमेंट लेटर शैल बी मेड वेयर डिक्रीटल अमाउंट इज 58(1)(a) अप टू 2,000 rupees, नॉट एक्सीडिंग 2,000 rupees, ए इज द आंसर।
and certify which of the following decision is not a decree. तो ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट ये डिक्री है, डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार ये भी है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट नॉन पेमेंट ये भी है, ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल ये नहीं है. तो डी इज द आंसर. नेक्स्ट 36, द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 13-14 ऑफ CPC. ए इज द आंसर. फॉरन जजमेंट्स की बात करते हैं ना, अप्लीकेशन ऑफ फॉरन जजमेंट्स. 37, इनकरेक्ट बताना है अब. A civil court has jurisdiction to try all suits civil in nature unless barred expressly or impliedly. ये बिल्कुल ठीक है. Section 9 provides that. Consent can confer or take away jurisdiction of a court. No, ये wrong है. Decree passed by court without jurisdiction is a nullity. ये बिल्कुल ठीक है. Burden of proof of exclusion of jurisdiction of a court is on the party who asserts it. ये बिल्कुल ठीक है. तो इसमें गलत कौन सा हुआ फिर? B is the answer. Necessity, a judgment of a court of small causes may not have consigned statement of the case. A is the answer. Necessity 9, dismissal of a suit under Rule 3 Order 9 of CPC does not bar a fresh suit in respect of the same cause of action. B is the answer. Next 40. Under Order 12, Rule 2, the time to be given to a party to admit any document when called upon by notice is 7 days from date of service of notice. C is the answer. Order 12 किसके लिए है? Admissions के लिए. Next 41, which of the following question may not be said to be substantial question of law for the purpose of second appeal? A question of law on which there is conflict of judicial opinion. ये है फिर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइंडिंग विदाउट एनी एविडेंस, ये है टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इररिलेवेंट एविडेंस, ये है कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट ऑफ बिलो. कोर्ट बिलो आएगा, ऑफ बिलो क्या? डी इसका आंसर रहेगा. सेकंड अपील सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होती है, ये कहाँ मैंशन किया गया? सेक्शन 100 CPC में. नेक्स्ट 42, अंडर प्रोवाइजो सब रूल 1 ऑर्डर 17 द मैक्सिमम अर्जमेंट कैन बी ग्रांटेड आर 3. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 43, वट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फ्रेंडली सूट. फ्रेंडली सूट कहाँ प्रोवाइड किए गए हैं? यह ऑर्डर 36. फिर इसमें क्या है? पार्टीज डू नॉट अप्रोच द कोर्ट बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट. नो, ये रॉन्ग है. ये बिल्कुल ठीक है. देखिए फ्रेंडली सूट में क्या है ना, एग्रीमेंट फाइल करना होता है और उसको रजिस्टर करते हैं एज अ केस. तो फिर नेक्स्ट है पार्टीज नॉट इंटरेस्टेड इन द डिसीजन. इंटरेस्टेड होते तभी तो जाते हैं वो. ये हो गया रॉन्ग. Parties enter into an agreement in writing stating such question for the purpose of obtaining the opinion of the court. बिल्कुल ठीक. आंसर क्या रहेगा इसमें? नॉट करेक्ट. B इज द आंसर. नेक्स्ट 44, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम एक्टस क्यूरिया नेमिनम ग्रेविट, एक्ट ऑफ कोर्ट कैन नॉट हार्म एनीवन. A इज द आंसर. नेक्स्ट 45, एन एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज एंटर्ड इन रिप्रेजेंटेटिव सूट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट इज वॉइड. एंड ये कहाँ मेंशन किया गया है? ऑर्डर 23 रूल 3A में. नेक्स्ट 46, अंडर ऑर्डर 32 रूल 10 CPC ऑन डेथ ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड द सूट शैल बी स्टेड अंटिल अनदर नेक्स्ट फ्रेंड्स कम्स इनटू पिक्चर. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 47, मे द प्लेंटिफ डाइज आफ्टर हियरिंग एंड बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सूट. द सूट शैल नॉट अबेट. After hearing before pronouncement है ना, तो जजमेंट प्रनाउंस कर देंगे. इट हैज बीन प्रनाउंस बिफोर द डेथ. ए इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ऑर्डर 32, ऑर्डर 22 रूल 6 में. नेक्स्ट 48, हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू अप्लाई अंडर ऑर्डर 21 रूल 19 CPC फॉर सेट असाइड द सेल ऑफ इवन प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. तो कौन नहीं कर सकता? डिग्री होल्डर कर सकता है, ऑप्शन प्रोड्यूसर कर सकता है, जजमेंट डेटर कर सकता है. यस, थर्ड पार्टी कोई नहीं कर सकती अनलेस ही इज इंटरेस्टेड इन द मैटर. तो डी इसका आंसर हो गया, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट 49, ऑर्डर 20 रूल 12 CPC प्रोवाइड्स फॉर पासिंग ऑफ प्रिलिमिनरी डिग्री इन अ सूट फॉर. देखिए जो प्रिलिमिनरी डिग्री है वो इन चारों केसेस में फाइल होती है, इन चारों केसेस में होती है, बट ये स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं 12 के लिए. तो 12 किसके लिए? पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट के लिए. सी इज द आंसर. डिरेक्शन ऑफ पार्टनरशिप के लिए कहाँ पर मेंशन है? रूल 15 में. प्रीएम्पशन वाला है 14 एंड बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट ये है 16. नेक्स्ट 50, डिसीजन इन अ सूट में ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा अगेंस्ट पर्सन नॉट एक्सप्रेसली नेम्ड एज पार्टीज टू द सूट बाय वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन. 6 ऑफ सेक्शन 11, 6 टू सेक्शन 11. सी इज द आंसर. 4 क्या है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा.
सिविल लॉ वन क्वेश्चन नंबर वन इज ड्यूचेस ऑफ किंगस्टन केस इज लीडिंग केस ऑन सब्जेक्ट ऑफ रेस जुडिकाटा, वन इज द आंसर, रेस जुडिकाटा पर है केस ये। नेक्स्ट इज टू एक्सप्लेनेशन 7(2) सेक्शन 11 वाज इंसर्टेड बाय सीपीसी अमेंडमेंट ऑफ 1976, ए इज द आंसर। नेक्स्ट थ्री, वेदर द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट विल प्रिक्लूड कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, नो। इफ इट हैज बीन डिसाइडेड इट कैन ऑपरेट एज एजुडिकाटा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन मेंशन इन सेक्शन 13-14 ऑफ सीपीसी, इसका आंसर बी रहेगा, नो। नेक्स्ट इज फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी स्टिपुलेट्स प्रोविजन फॉर द प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिडिक्शंस आर अनसर्टेन, दैट इज सेक्शन 18, ए इज द आंसर। 21 क्या है, ऑब्जेक्शन एज टू ज्यूरिडिक्शन। 24 क्या है, हाईकोर्ट पावर टू ट्रांसफर केसेस। एंड 27 क्या है, समन्स टू डिफेंडेंट। नेक्स्ट इज फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अ डिक्री मे बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनली, ये बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 2(2) जो जहाँ पर डेफिनेशन है डिक्री की वहाँ पर मेंशन किया गया इट कैन बी प्रिलिमिनरी, है ना, तो एवरी डिक्री इज अपीलेबल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ये ऐसे बिल्कुल ठीक है। फिर एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल अनलेस स्पेसिफाइड इन द कोर्ट, ये बिल्कुल ठीक है। फिर डिक्री एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ वाइल एन ऑर्डर अंडर द सीपीसी इज नॉट एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, ये गलत हो गया, दैट इज ऑल्सो एडजुडिकेशन ऑफ लॉ, बट डिग्री क्या होती है मेरिट्स पर डिसाइड होती है एंड ऑर्डर्स क्या होते हैं वो डिफरेंट रहता है। एंड ऑर्डर क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन जो कि प्रोवाइड किया गया सेक्शन 214 ऑफ सीपीसी, तो डी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट सिक्स, एन अग्रीमेंट बाय विच ए पर्सन एग्रीज टू वेव द बेनिफिट ऑफ एनी एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 60 सीपीसी इज वॉइड, लॉ के अगेंस्ट भी कोई भी एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड होता है, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज सेवन, इन घनश्याम दास गुप्ता वर्सेज अनंत कुमार सिन्हा द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्स एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज एट, विच इज नॉट इंस्टांस ऑफ मटीरियल इरेगुलरिटी अंडर सेक्शन 21 रूल 90 सीपीसी, तो मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द प्रोक्लेमेशन, तो ये तो ऑब्वियसली मटीरियल इरेगुलरिटी है तो वो वॉइड हो जाएगा। फिर आफ्टर सेल आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ स्टे इन एग्जीक्यूशन, तो ये भी वॉइड कर देगा बिकॉज इट इज़ ए मटीरियल इरेगुलरिटी। ओमिशन टू होल्ड सेल इन स्टेटेड टाइम एंड प्लेस, ये भी है। ओमिशन टू सेंड अ कॉपी ऑफ डिक्री टू एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, ये नहीं है, तो डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट नाइन, बाय द अमेंडमेंट एक्ट फ्रॉम 1976 सीपीसी ए स्पेसिफिक प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द काउंटर क्लेम अंडर ऑर्डर 8 रूल 6A वॉज एडिड, डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट टेन, हु इज एंटाइटल टू एग्जम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट, देखिए इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 133 सीपीसी में, और उसमें जो है बी सी और डी ये तीनों लिखे हुए हैं, ये दीज आर एग्जम्प्टेड, ये वाला एग्जम्प्ट नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है एग्जम्प्शन किस में है, तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था बिकॉज ऑप्शन करेक्ट नहीं बनाए इन्होंने, या तो ये पूछा कि हु इज नॉट एंटाइटल होता तो इसमें ए आंसर होता, बट ये ऑप्शन रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट 11, अंडर सेक्शन 96 सीपीसी द कंसर्न डिग्री इज नॉट अपीलेबल, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 12, ए सेक्शन 153B ऑफ सीपीसी कंटेन्स द प्रोविजन फॉर ट्रायल इन ओपन कोर्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 13, हु कैन अप्लाई फॉर एन इंजंक्शन, तो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट कोई भी ले सकता है, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 14, अंडर सेक्शन 152 सीपीसी द क्लरिकल मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड इन जजमेंट डिग्री और ऑर्डर्स, डी इज द आंसर, ये रिपीट क्वेश्चन है एसपीसीडी से आया हुआ है ये। नेक्स्ट 15, इन द एक्सरसाइज ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट ए कोर्ट कैन नॉट, क्या नहीं कर सकते इनहेरेंट पावर्स से, एक्सटेंड टाइम कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फी कर सकते हैं जी, ओवरराइड सब्सटेंटिव राइट ऑफ एनी पार्टी ये नहीं कर सकते, रिवाइव एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कर सकते हैं, सेट असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर ये कर सकते हैं, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 16, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ए डिग्री डज नॉट बिकम इन एग्जीक्यूटेबल ऑन द डेथ ऑफ जजमेंट डेटर, ये बिल्कुल ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टी है उससे रिलाइज करेंगे। फिर ए कोर्ट कैन एग्जीक्यूट डिग्री इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएट एंटायरली आउटसाइड इट्स लोकल ज्यूरिडिक्शन, नो, इसके लिए आपको भेजना पड़ेगा प्रीसेप्ट अंडर सेक्शन 46 सीपीसी, तो ये वाला हो गया रॉन्ग। फिर एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हैज़ नो पावर टू क्वेश्चन इट्स लीगैलिटी, ये बिल्कुल ठीक है।
The court which passed a decree may on its own motion send it for execution to any subordinate court of competent jurisdiction. ठीक है, तो incorrect कौन सा इसमें? BB is the answer. And 31, which of the following is not a suit of civil nature? देखिए repeat question है कि नहीं है. Suit relating to right to worship ये है. Suit relating to taking out religious procession ये भी है. Suit against the expulsion from caste ये नहीं हो सकता. राइट ऑफ हेरिडिटरी ऑफिस ये हो जाएगा. तो नॉट पूछा है तो सी इसका आंसर रहेगा. सूट ऑफ सिविल नेचर के बारे में कहां पर बात की गई है? सेक्शन 9 सीपीसी में. नेक्स्ट 32, प्लीनरी डिग्री कैन बी पास इन अ सूट फॉर प्रीएम्पशन, सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, डम्पशन. यस, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर. और कहां पास करते हैं? अंडर ऑर्डर 21 सीपीसी. नेक्स्ट 33, डिसीजन विच इज नॉट अ डिक्री, कौन सा डिक्री नहीं है? तो ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ ये डिक्री नहीं है. सी इज दी आंसर. बाकी ये डिक्री हो जाएंगे. डिक्री डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 22 ऑफ सीपीसी. नेक्स्ट 34, इन द केस ऑफ रेस सब्जुडाइज अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी द कोर्ट कैन पास इंटरिम ऑर्डर ग्रांट इंजंक्शन अपॉइंट रिसीवर, ऑल ऑफ देम. डी इज दी आंसर. कुछ भी कर सकते हैं. नेक्स्ट 35, रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई टू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस. डी इज दी आंसर. बाकी सब रिट्स पे अप्लाई होता है. कोर्ट प्लेंटिव, कोर्ट डिफेंडेंट, PIL सब पे अप्लाई हो जाएगा. रेस जुडिकाटा सेक्शन कौन सा है आरजे का? सेक्शन 11 सीपीसी ऑब्वियसली. नेक्स्ट 36, हु इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो कौन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? ए ट्रेसपासर नहीं होता. सी इज दी आंसर. बाकी ये हो जाएंगे. LRs के बारे में कहाँ पर बात की गई है सीपीसी में? सेक्शन 211 डेफिनेशन. 37, अंडर सेक्शन 29 सीपीसी जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर. सी इज दी आंसर. 38, ए कोर्ट मे इशू अ कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, मेक पार्टीशन, एडजस्ट अकाउंट्स, ऑल ऑफ द अबव. डी इज दी आंसर. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी. एंड ऑर्डर कौन सा है कमीशन का? ऑर्डर है 26. नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन लीगल सेट ऑफ द अमाउंट क्लेम मस्ट बी रिकवरेबल एट द डेट ऑफ द सूट, वाइल इन केस ऑफ काउंटर क्लेम द अमाउंट क्लेम मस्ट बी रिकवरेबल एट द डेट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट. बिल्कुल ठीक है. द सेट ऑफ कैन नॉट एक्सीड प्लेंटिव्स क्लेम, द काउंटर क्लेम कैन एक्सीड. ये बिल्कुल ठीक है. द सेट ऑफ कैन नॉट एक्सीड पेक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, वाइल द काउंटर क्लेम कैन एक्सीड. नो, ये रॉन्ग है. The legal set off must be for a certain sum of money which the counterclaim may be for uncertain. ये बिल्कुल ठीक है. सी इसका आंसर रहेगा. सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में कहाँ पर मैंशन किया गया है? ऑर्डर 8 में, रूल 6 में है सेट ऑफ, एंड रूल 6A में है काउंटर क्लेम. नेक्स्ट 40, इन सी पी सी सेक्शन 35B इज एडेड बाई द अमेंडमेंट एक्ट 1976 फॉर प्रोवाइडिंग कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 41, फॉर एन इंटरप्लीटर सूट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी, देर मस्ट बी सम डेट और द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट. ये है फिर टू मोर पर्सन क्लेमिंग डेट ऑफ प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट एडवर्सली टू ईच अदर. ये ठीक है. देर मस्ट बी अ सूट पेंडिंग वेयर इन राइट्स ऑफ राइवल क्लेमेंट और डेट और प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट कैन प्रॉपरली एडजुडिकेटेड. पेंडेंसी की जरूरत नहीं है, तो नॉट पूछा है तो सी इसका आंसर रहेगा. इंटरप्रेटर सूट के बारे में कहां पर बात की गई है? सेक्शन है ये 88, एंड इसका ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर 35 सीपीसी. नेक्स्ट 42, द प्रोविजन रिगार्डिंग फ्रेंडली सूट आर इन कहां पर दिए गए हैं? सेक्शन 90 है, ऑर्डर 36 है. ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 43, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, डिग्री कैन ओनली पास इन अ सूट वाइल एन ऑर्डर में बी पास फॉर अ प्रोसीडिंग कमेंस्ड बाय अ पिटीशन और एन एप्लीकेशन. बिल्कुल ठीक है. A degree is an adjudication conclusive determines the right of the parties with regard to all or any matter of controversy. An order may or may not finally determine such rights. बिल्कुल ठीक है. फिर both degree and order may be preliminary. No, degree हो सकती है, order नहीं हो सकता. C इसका आंसर रहेगा. Degree की definition बताई थी मैंने कहाँ पर है? 22 में. And order का mention कहाँ है? 214 में. Next is 44. An order or direction given by the court which pass a degree to which would be competent to execute a decree to attach a property belonging to the judgment debtor is called precept as per section 46 CPC. A is the answer. This is 45. A right of appeal is not a inherent right. A is the answer.
सब्सटेंटिव राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, वेस्टेड राइट है, इनहेरेंट राइट नहीं है, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 46, द प्रोविजन रिगार्डिंग समरी सूट्स आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर 37, बी इज द आंसर। पेपर सिविल लॉ 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज द सीपीसी रिकॉग्नाइजेस प्रिलिमिनरी डिक्री यस, फाइनल डिक्री यस, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल, ऑल ऑफ दीज, डी इज द आंसर। डिक्री की डेफिनेशन कहाँ पर है? 2-2 और वहीं पर लिखा हुआ है इट कैन बी प्रिलिमिनरी एंड कैन बी फाइनल। नेक्स्ट इज 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स द सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर पासिंग ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री। देखिए ये मेंशन किया गया है ऑर्डर 20 में, तो सूट फॉर प्रीएम्पशन में भी है, पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन सूट में भी है, तो डी इसका आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सूट फॉर प्रीएम्पशन है, ये है रूल 14, सूट फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट्स ये है रूल 12, एंड एडमिनिस्ट्रेशन सूट ये है रूल 13 ऑफ ऑर्डर 20। एसेस 3, अंडर सेक्शन 2(3) ऑफ सीपीसी अ डिग्री होल्डर मीन्स a person who is not a party to the suit but in whose favor an order capable of the execution has been passed. ye bhi ho sakta hai, ye bhi ho sakta hai, aur ye bhi ho sakta hai, all of the above ho sakte hain, d is the answer. to decree holder kaun hai jiske favor mein jo hai order capable of being execution has been passed, to chahe wo third party ho, plaintiff, defendant, koi bhi ho sakta hai, d iska answer rahega. this is 4, under section 2(5) of cpc, two condition must be satisfied to bring a court within the definition of a foreign court. क्या होगा वो? द कोर्ट मस्ट बी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया येस, नॉट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट येस, मस्ट नॉट बी कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट येस, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट इज 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 212 ऑफ सीपीसी। कौन कौन नहीं होते? एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर ये होते हैं, ऑफिशियल असाइनी रिसीवर ये नहीं होते, हिंदू को पार्सनर होते हैं, रेजिडेंट लेगेटरीज होते हैं, तो बी इसका आंसर रहेगा। उसके लिए आप डेफिनेशन देख सकते हैं, 2(11) में लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट 6, विच प्रोविजन ऑफ सी पी सी डिफाइंस मीन प्रॉफिट्स? 212 ऑब्वियसली, 211 में अगर LR है तो उसके बाद ही है ये, 214 में क्या है ऑर्डर, एंड वट इज 217, ये है पब्लिक ऑफिसर। नेक्स्ट 7, अंडर सी पी सी एन एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री इज एन ऑर्डर, ए इज द आंसर, 214 बताया अभी, डेफिनेशन 214 में है। नेक्स्ट इज 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस ऑफ द जुडिशन ऑफ अ कोर्ट, सब्जेक्ट मैटर होता है पेक्यूनरी, लोकल लिमिट्स, ऑल ऑफ दीज, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सूट इज ऑफ अ सिविल नेचर। देखिए हर बार पूछते हैं ये, रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेडली पूछ रहे हैं इसको। तो सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ प्रॉपर्टी ये है, रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप ये भी है, डैमेजेस फॉर सिविल लॉ ये भी है, तो ऑल ऑफ द इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा? ये 9 सीपीसी। नेक्स्ट इज 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सूट इज नॉट ऑफ सिविल नेचर, फिर सूट इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चन, तो ये नहीं है, फिर प्योरली रिलीजियस सेरेमनीज ये भी नहीं है, रिकवरी वॉलंटरी पेमेंट्स एंड ऑफरिंग ये भी नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा, सेक्शन 9 है अगेन। नेक्स्ट 11, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी लेज डाउन द रूल ऑफ रेस सब्जुडाइज, ये सेक्शन 10, 11 में क्या है? रेस जुडिकाटा, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 12, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन मैक्सिम्स, कौन कौन सी है? नीमो डेबिट बिस विक्सारी प्रो उना एडम कोजा, नो मैन शुड बी विक्स ट्वाइस फॉर द सेम कोज, यस ये है। इंटरेस्ट रिपब्लिका उत्सित फिनिश लिथियम, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, ये है। फिर रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटर, यह जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, तो तीनों ही हैं ये, फिर डी इसका आंसर रहेगा। रेस जुडिकाटा सेक्शन कौन सा है? 11 सीपीसी। नेक्स्ट 13, दी डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी रिफ्लेक्टेड इन, ये वाली एंड ये वाली, ये भी है प्राइवेट जस्टिस रिफ्लेक्टेड इन, तो दोनों ही हो गई ये, सी इज द आंसर, वही लीगल मैगजीम्स हैं तीनों ऊपर जो थी है क्वेश्चन 12 में। नेक्स्ट इज 14, द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या फिर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन सी पी सी इन सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 15, ए सूज बी फॉर रेंट, बी कंटेंट दैट सी नॉट ए इज द लैंडलॉर्ड, बी कहता है कि ए लैंडलॉर्ड नहीं है, सी लैंडलॉर्ड है, ए फेल्स टू प्रूव एंड द सूट इज डिसमिस्ड, ए देन सूज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ हिज टाइटल टू द प्रॉपर्टी, सूट इज बार्ड, नो वो डिफरेंट कैपेसिटी में है, ये डिफरेंट कैपेसिटी में है,
वो एज अ टेनेंट लैंडलॉर्ड लेके आया था यहाँ पर टाइटल के बेस पर लेके आ रहा, तो बार नहीं होगा यहाँ पर, रेसिडी काटा नहीं लगेगा। सूट इज नॉट बार एज अ पार्टीज, बोथ द सूट आर नॉट द सेम, कैपेसिटी सेम नहीं है यहाँ पे, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट 16, ए इज यूज फॉर पोजेशन ऑफ अ मठ प्रॉपर्टी, मठ होता है ना, एज एन एयर ऑफ महंत, द सूट इज डिसमिस ऑन द फेलियर टू प्रोड्यूस सक्सेशन सर्टिफिकेट, ए फाइल सब्सिक्वेंट सूट एज ए मैनेजर ऑफ द मठ, इज द सूट बार्ड नाउ, ये भी नहीं होगा बिकॉज अगेन कैपेसिटी दूसरी है, तो विल नॉट बी बार्ड एज जुडिकाटा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 17, ए द टेनेंट फाइल्स ए सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट बी द लैंडलॉर्ड फॉर नॉट बीइंग डिस्पोज्ड एक्सेप्ट बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्लीडिंग दैट बी इज प्लानिंग टू फोर्सिबली डिस्पोज़ेस हिम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अबव सूट अटेम्प्ट टू फोर्सिबली डिस्पोज़ेस ए, ए फॉर अनदर सूट फॉर इंजंक्शन, क्या वो जो सेकेंड सब्सिक्वेंट सूट है वो बाहर रहेगा रेस जुडिकाटा से, या फिर रूल ऑफ रेस जुडाइस विल अप्लाई, तो रेस जुडाइस लग जाएगा, बी इज द आंसर। वो वहीं पर इंटरिम अप्लीकेशन लगा के जो है इंटरिम इंजंक्शन ले सकता है, टेम्प्रेरी इंजंक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट 18, इफ द रिट पिटीशन अंडर 226 इन द हाई कोर्ट इज डिसमिस नॉट ऑन मेरिट्स दैट इज डिसमिस इन लिमाइन बट बिकॉज ऑफ लैचेज ऑफ द पार्टीज अप्लाइंग फॉर द रिट और बिकॉज इट इज हेल्ड दैट द पार्टी हैड ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल टू इट देन डिसमिसल ऑफ रिट पिटीशन वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बार टू सब्सिक्वेंट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 द प्रिंसिपल वॉज लेड डाउन बाई द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ दरिया वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, ये ए इज द आंसर। नेक्स्ट 19, द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू रिट प्रोसीडिंग्स हाउ एवर डज नॉट अप्लाई टू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, ए इज द आंसर। और देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, ये 2013 में फिर से पूछा गया था सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट 20, ए फॉरन जजमेंट इज रिकोगनाइज इन इंडिया सच एग्नोलेशन इज अकॉर्डेड नॉट एज एन एक्ट ऑफ कर्टसी बट ऑन कंसिडरेशन ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, दिस वॉज हेल्ड इन सत्या वर्सेज तेजा सिंह, ए इज द आंसर। 1975 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की ये। नेक्स्ट 21, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डिक्लेयर्स दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए फॉरेन जजमेंट दैट सच जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड और इज प्रूव्ड, दैट इज सेक्शन 14, प्रिजम्पशन कहाँ है 14 में, शैल प्रिज्यूम है, बी इसका आंसर रहेगा। और ये कौन सी प्रिजम्पशन है, ये रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट 22, मेयर प्रोडक्शन ऑफ ए फोटोस्टैट कॉपी ऑफ डिक्री ऑफ फॉरेन कोर्ट इज नॉट सफिशिएंट, इट इज रिक्वायर्ड टू सर्टिफाइड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इन अमेरिका वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन, कौन सा केस था ये, नरसिम्हा राव वर्सेज वेंकट लक्ष्मी, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 23, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, दैट इज 26, बी इज द आंसर। 25 क्या है, ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय सुप्रीम कोर्ट। 28 क्या है, सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड इन अनदर स्टेट। एंड 30 क्या है, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, डिस्कवरी के लिए है ये। नेक्स्ट 24, ऑर्डर 7 रूल 10 टू 10 बी प्रोवाइड्स फॉर रिटर्न ऑफ प्लेंट, ए इज द आंसर। रिजेक्शन कितने में है, रूल 11 में है, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 25, रूल एज टू इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स इन सीपीसी आर लेड डाउन इन, सर्विस ऑफ समन्स टू डिफेंडेंट जो है ना वो है ऑर्डर 5 में, ठीक है, एंड विटनेसेस के लिए कहा है ऑर्डर 16। ऑर्डर 7 किसके लिए है, प्लेंट के लिए। 8 WS काउंटर क्लेम एंड सेट ऑफ। 11 क्या है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। नेक्स्ट 26, द कोर्ट मे परमिट सर्विस ऑफ समन्स बाय द प्लेंटिफ इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ समन्स बाय द कोर्ट बाय ऑर्डर 5 एंड रूल 9A। देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है, कितने बार पूछ चुके हैं HP सीरीज में ही, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 27, ए पार्टी अंडर सीपीसी मे ऑब्जेक्ट टू आंसर इन इंटेरोगेटरी इफ इट इज स्कैंडलस इररिलेवेंट मैलिफाइड इमटेरियल प्रिविलेज्ड, ऑल ऑफ दीज, डी इज द आंसर। ऑर्डर कौन सा, ये 11 बताया था ना अभी, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, एंड रूल कौन सा लगेगा 6। नेक्स्ट 28, इश्यूज मस्ट बी कन्फाइंड टू
फैक्टा प्रोबेंडा या फिर फैक्टा प्रोबेंशिया। फैक्टा प्रोबेंडा क्या होता है? फैक्ट्स विच नीड टू बी प्रूव्ड। प्रोबेंशिया क्या होता है? द फैक्ट्स ऑन द बेसिस विच फैक्टा प्रोबेंडा इज प्रूव्ड, मतलब सुबोर्डिनेट फैक्ट्स। तो किसके लिए बाउंड होते हैं? प्रोबेंडा के लिए। ए इज द आंसर। और ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 29, डिटेल्ड रूल्स रिगार्डिंग डिक्री आर डेल्ट इन ऑर्डर 20 में है ये, रूल 1 to 5 एंड रूल 6 to 19। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 13, द प्रिंसिपल गवर्निंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर इन सीपीसी आर डेल्ट विद इन सेक्शन 36 to 74, सब्सटेंटिव लॉ है एंड प्रोसीजर का है 21 में। ऑब्वियसली तो ए इसका आंसर रहेगा। इस 5, अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी द पार्टीज कैन बी स्ट्रक आउट एडिड और सब्सटीट्यूटेड। तो ये है ऑर्डर 1 रूल 10, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट थ्रू आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड लोक अदालत्स बाय द सीपीसी अमेंडमेंट 1999। तो सेक्शन कौन सा? ये है 89, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 7, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्री कौन कौन से हैं? देर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, द डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ अ कंक्लूसिव नेचर, एडजुडिकेशन मस्ट हैव डन इन अ सूट। तो ये तीनों ही हैं, डी इसका आंसर रहेगा। डिक्री की डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 2(2) सीपीसी। नेक्स्ट 8, द प्रोविजन रिलेटिंग टू समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस आर अंडर ऑर्डर 16, ए इज द आंसर। ऑर्डर 17 क्या है? 17 है एडजमेंट्स के लिए, 18 है हियरिंग ऑफ सूट एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, 19 है एफिडेविट। नेक्स्ट 9, द प्लेन शुड बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट, दिस रूल वाज इंसर्टेड बाय, कौन से अमेंडमेंट से आया था ये? तो ये है सीपीसी अमेंडमेंट 1976, ए इसका आंसर रहेगा। कहाँ पर मेंशन किया गया? ये मेंशन किया गया ऑर्डर 4 के रूल 1 में कि भाई प्लेंट जो है डुप्लीकेट में फाइल करनी है। देखने को तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये ऑर्डर 7 प्लेंट में हो। देखिए ऑर्डर 7 प्लेंट में ये रूल 11 में ग्राउंड ई है फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, जो कि तब अमेंडमेंट नहीं की गई थी ऑर्डर 7 में, बट इसकी अमेंडमेंट हुई थी 1999 में कि भी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का एक ग्राउंड होगा अगर डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया तो। इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट 10, द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल इन द रेट ऑफ, देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, ये 4 साल से लगातार पूछा गया है, हैबियस कॉर्पस, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 11, एन ऑर्डर विच इज नॉट अ डिक्री क्या होता है? ऑर्डर रिफ्यूजिंग स्टे, ऑर्डर पास इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन टू सू इन फॉर्मा पॉपरिस। तो इसमें डिक्री कौन सा नहीं माना जाएगा? एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग स्टे, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 12, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स दैट ऑब्जेक्शंस एज टू टेरिटोरियल एंड पिकनरी ज्यूरिडिक्शन मस्ट बी रेज एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये है सेक्शन 21, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 13, सेक्शन 96(4) ऑफ सीपीसी इंसर्टेड बाय सीपीसी अमेंडमेंट 1976 बार्स क्या करता है? अपील इन पेटी केसेस, बी इसका आंसर रहेगा। कंसेंट वाला कितने में है? 96(3) में। ऑलराइट। नेक्स्ट 14, ए कैवियट लॉज्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 148A विल रिमेन इन फोर्स फॉर 90 डेज, सी इज द आंसर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 15, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिम एक्टस क्यूरिए नेमिनम ग्रेवाबेट, बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? लगता है इसमें 144 रेस्टिट्यूशन के लिए, एक्ट ऑफ कोर्ट शेल नॉट हार्म एनी वन। बाकी दो मैक्सिम्स का आप लिखिए, ये तो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो बोलेगा उसको प्रूव करना पड़ेगा, उस पर रहेगा। इसका जरा बताओ, जरा मीनिंग लिखो कमेंट सेक्शन में, आप भी पार्टिसिपेट करो, एग्जाम बस आ ही गया है। नेक्स्ट 16, विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स दैट ए पर्सन मे सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट, ऑर्डर 1 रूल 8, सी इज द आंसर, रिप्रेजेंटेटिव सूट। नेक्स्ट 17, विच प्रोविजन ऑफ द सीपीसी डील्स विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसओबीडियंस ऑफ एन इंजंक्शन ग्रांटेड बाय द कोर्ट, दैट इज ऑर्डर 39 रूल 2A, बी इज द आंसर। ऑर्डर 39 किसके लिए है? टेम्परेरी इंजंक्शंस के लिए। नेक्स्ट 18, द मटेरियल फैक्ट्स ऑन विच अ पार्टी रिलाइज आर, देखिए अभी बताओ क्या ये वो नहीं है,
Repeat question, common question. Facta probanda, obviously. Facts which need to be proved. And probantia, the facts on the basis of which facta probanda is need to be proved. Next 19, the court do not have inherent powers to. तो कौन सा नहीं है? सेट असाइड एन एक्सपार्टे डिग्री, ये नहीं है ऑब्वियसली. कंसोलिडेट सूट एंड अपील्स, इसको तो कर सकते हैं, कंसोलिडेट तो कर ही सकते हैं इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. फिर अलाउ डिफेंस इन फॉर्मा पॉपरिस, हाँ कर सकते हैं उसमें भी. ए इसका आंसर देगा, इसके लिए नहीं है इनहेरेंट पावर, उसके लिए तो ऑर्डर है 9 रूल 13 सेट असाइड, तो इनहेरेंट पावर की जरूरत नहीं है वहां पर. नेक्स्ट 20, सेक्शन 11 सीपीसी कंटेन्स, कितने एक्सप्लेनेशंस हैं? 8. डी इसका आंसर रहेगा. सेक्शन 11 क्या है? आरजे रेस जुडिकाटा. सो फ्रेंड्स, ये थे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सीपीसी फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो, तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम ₹22 अनलिमिटेड. तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.